नमस्कार आप सभी, मेरा नाम अशोक बिरादर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। देखिए, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ और मैं अब उसको रखना नहीं चाहता हूँ। ऐसा कई पतियों के साथ में है, कई पतियों का मतलब परेशानी है कि वो पत्नी के साथ में रहना नहीं चाहते क्योंकि उसने कुछ ऐसे केसेस या ऐसे कुछ कर्म कर दिए हैं जिनके वजह से एक दूसरे का मन जो है वो हट गया है। ऐसी ही घटना जो है वो हमारे एक क्लाइंट हैं जिनके साथ में ये हुआ है। इनकी शादी जो है अब से 3 वर्ष पहले हुई थी और बता रहे थे कि 3 वर्ष में ये अपने बिना पूछे अपने मायके चली जाती है, बिना पूछे अपने मायके से अपने ससुराल में आ जाती है, बिना मतलब कोई भी किसी बात की कोई परमिशन किसी प्रकार का कोई लेना देना किसी से नहीं है। जब उसको आना है तो आना है, जाना है तो जाना है, मतलब किसी प्रकार का कोई भी पति पत्नी का जो संबंध होता है एक दूसरे से पूछना, एक दूसरे से की मर्जी के अनुसार चलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बता रहे थे कि अब से लगभग मतलब 3 वर्ष में जो है कम से कम 100 से 150 बार ये अपने मायके चली गई है और जब भी ये जाती है तो जाने के बाद जो है वो फिर बहुत ज़्यादा मतलब मन्नतें करवाती है, गिड़बड़ाती है, मतलब आप हमारे हमें करवाती है और उसके बाद वो उसे लगता है कि हाँ आ जा तो वो आ जाती है और अगर उसको नहीं लगता है कि नहीं आना है तो नहीं आना है। अगर माँ ससुराल में आ गई और अब उसे जाना है तो फिर जाना है। उसके माँ बाप भी ये कहते हैं कि तू आ जा, हम तेरे पति को देख लेंगे, ऐसा वो घरवाले जो है उसके बोलते हैं। अब ऐसी सिचुएशन एक नहीं, बहुत सारे पतियों के साथ में है जो ये सब परिस्थितियों का इनका सामना कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो गलती इनके लड़की के माँ बाप की है क्योंकि वो उसको इतना बुलाते हैं कि लड़की जो है अपने आप को रोक नहीं पाती है। तो यहाँ पर अगर वो एक डांट मार के वो कह दें कि भाई तुम्हारा घर है, वो तुम वहाँ पर हमने तुम्हें शादी करी, अब तुम वहीं रहो, यहाँ पाने की बार बार क्या ज़रूरत है, तो अगर इतना वो कह दें तो हो सकता है कि उसका घर जो है वो ठीक ठाक चल रहे, कोई भी किसी का क्लेश ना हो। लेकिन यहाँ पर जो है माँ बाप ही उसका घर बिगाड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं बार बार उसको बुलाना ये पति को शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता है और फिर बार बार आना और इस प्रकार से अब तो इतनी अति हो गई कि झगड़ा करके वो चली गई है और 1 साल से आ ही नहीं रही है। और इस दौरान जो है वो उसने वुमेन सेल में कंप्लेंट भी कर दी और दहेज का मुकदमा लगाने की धमकी दे रही है और कह रही है कि मैं तुझे और तेरे परिवार को जेल भेजाऊंगी, इस तरीके की। तो अब सर मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पत्नी को नहीं रखना, बताइए क्या करना है। तो ऐसे समय पर जो है एक ये जो समस्या है वो एक पति के साथ नहीं है, बहुत सारे पति हैं जो ये चाहते हैं कि सर हमारे भी साथ ऐसा हुआ है या फिर इससे भी बुरा हुआ है हमारे साथ में, लेकिन अब जो है हमारा मन नहीं है, अब हमें किसी प्रकार से इसको अलग करना है। यानी कि ऐसी चीज़ें साथ हुई, कुछ तो ऐसा हुआ है कि एलिगेशन भी गलत लगा दिए, मतलब ससुर पे गलत एलिगेशन लगा दिया, छेड़छाड़ का एलिगेशन लगा दिया, पति के मतलब भाई पर और परिवार में लोगों पर गलत आरोप लगा दिया, दहेज का मुकदमा कर दिया। ऐसी चीज़ें मतलब जो सामने आती हैं तो पति भी ये सोचता है कि सर जब इसने इतना कर दिया, समाज में इतनी बेइज्जती कर दी, तो हम एक दूसरे के साथ रह कैसे पाएंगे। और वाकई चीज़ें ये होती हैं क्योंकि जीवन एक दूसरे का साथ तब है जब एक दूसरे में कोई भी किसी प्रकार की मतलब ये चीज़ें आरोप ना हो, क्योंकि समय ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिन रहना है आपको साथ में, पूरे जीवन भर रहना है और जीवन भर रहने के लिए वो चीज़ें सब याद रहती हैं जो पति या पत्नी के साथ करता है, फिर पत्नी पति के साथ करती है। तो जहाँ पर ये करते हैं तो वो सब चीज़ें याद आती हैं और सब एक साथ रहते हैं या रहने को सोचते हैं तो फिर वो सब कुछ याद रहता है कि जिस समय में आपकी लड़ाई झगड़ा होगा पत्नी का पति से, दोनों का झगड़ा, क्योंकि साथ रहते हैं तो झगड़ा होना मुलाजिम, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, झगड़ा हो जाता है। लेकिन इस झगड़े को इतना बड़ा रूप दे देना, थाने कोर्ट कचहरी या फिर बहुत लंबे समय तक अलग रहना, कई कई साल बीत जाना एक दूसरे के चेहरा देखे हुए एक दूसरे अलग रहना, तो फिर ये चीज़ें जो है वो बड़ा रूप ले लेती हैं। और यहाँ पर बड़ा रूप यही है कि जो शादी होने के बाद जो है बेटी दान कर देते हैं, मतलब शादी के साथ में जो है पत्नी बेटी को जो है वो ससुराल पहुंचा देते हैं कि भाई तुम वहाँ रहो, तुम्हारा घर वहाँ पर है, लेकिन बार बार उसको बुलाना, बार बार उसकी उसको नहीं समझाना कि भाई तुम्हारा पति है अब तुम वहाँ पर रहो, एक सब कुछ नहीं समझाना और बुला लेना, ये पति को भी गलत लगता है कि भाई बार बार क्यों बुला रहे हैं, क्यों इस तरह इतना घर में कलेश कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की मर्जी के साथ चलता है। और जहाँ पर लड़की को ये मायके वाले ही दिखाई देते हैं, मायके ही सब कुछ दिखाई देता है, तो मायका भी कुछ दिनों का ही है आपका, जब तक आपके साथ में माँ बाप हैं, जब माँ बाप खत्म हो जाएंगे या फिर नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाओगे आप, तो ये भी विचार करने वाली बात है। और ये सब चीज़ें नहीं सोचती हैं महिलाएँ, लेकिन जब बाद में अंत समय आता है या परेशानी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब उनको लगता है कि वाकई हमें पति की ज़रूरत है। तो ये ऐसे ही इनके साथ में हुआ कि इनका जो विवाह है वो कुछ समय पहले ही हुआ है और अब लगातार जो है वो
जाने की चीजें और अब धमकियां आ रही हैं इस चीजें, तो अब करना क्या है? देखिए ये घटना जो है वो एक पति के साथ नहीं, बहुत सारे पतियों के साथ में है। और ऐसे समय पर आपको जरूरी है कि पहले तो कितनी किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज के आधार पर या फिर किसी प्रकार से एक दूसरे के की बात मानकर या जो वो चाहते हैं इस तरह की चीजें बनाकर आप एक दूसरे के रिश्ता जो वो संभाल सकते हैं। और अगर इस दौरान जो है रिश्ता बिगड़ जाता है, फिर पत्नी केस कर देती है, तो फिर पति भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से अलग हो जाता है और सोचता है कि अब मुझे इसको नहीं रखना है। तो जब नहीं रखने वाली बात आती है, तो अब किस तरीके से आप ऐसी पत्नी को जो बार बार यही चीज़ें करे और बार नहीं समझ पाती है वो चीज़ों को, और फिर जीवन भी लगता है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पूरी लाइफ भर करना पड़ता है, तो फिर मजबूर होकर पति भी एक कदम उठाता है उसको तलाक देने का। जब तलाक देने का बात वक्त आता है या बात आती है तलाक देने की, तो फिर पत्नी जो है वो सोचती है मुझे तो ये छोड़ रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि बा मुझे छोड़ रहा तो कहीं नहीं कहीं ना कहीं मेरी कमी भी हुई है, मुझसे भी कोई गलतियां हुई हैं। जब मुझसे गलतियां हुई हैं तो मुझे उन गलतियों को सुधारना चाहिए अगर उसको साथ रहना है तो, और नहीं रहना है तो फिर गलतियां और करनी है। तो गलतियां और करते जाएंगे आप, तो फिर और ज्यादा चीज़ें स्ट्रांग होती जाएंगी और फिर ये चीज़ें रिश्ते जो है वो एक दिन ऐसा होगा कि बिल्कुल बिगड़ जाएंगे, चाहे वो आप एक साथ रह रहे हों या फिर नहीं रहते हो। साथ रहना ही पति पत्नी का संबंध है, अगर वो अलग रह रहे हैं तो वो पति पत्नी संबंध नहीं है फिर वो। तो ये चीज़ें जो है वो लगातार बढ़ती जाएंगी। एक एक मैंने कल ही इस वीडियो एक वीडियो थी जो आपने देखी होगी महाराज जी की है, और जो राधा रानी का जाप करते हैं बहुत ज़्यादा बहुत स्लो बोलते हैं, और वो उनको किडनी से आज के टाइम पीड़ित चल रहे हैं। मैं उनकी वीडियोज़ देखता हूँ, और मैंने अभी उनकी एक रिसेंट में एक वीडियो देखी, उसमें बताया था कि वो अपनी ही कहानी बता रहे थे कि मैं बचपन में मतलब कहते हैं ना कि बच्चा जो है वो जब स्कूल की छुट्टी वगैरह होती है तो अपने किसी रिश्तेदारी में घूमने जाते हैं। तो वैसे बता रहा था कि मैं एक अपनी रिश्तेदारी में गया था, मैं बच्चा था छोटा था, तो बता रहे थे कि जो ननद थी उनकी मतलब किसी रिश्ते में ननद लगती थी, और ननद के पति जो थे वो मतलब उनको अपने घर ले गए थे, और वहाँ पर जो पति थे उनको पैरालिसिस हो गया था। तो वो पैरालिसिस, जैसे पैरालिसिस होता है तो इंसान जो है वो बेड पर लेट जाता है, तो वहीं पर लेटे हुए थे। तो बोल रहे थे कि मैंने मुझसे मतलब वो अपने मन की बात वो कहने लगे कि जब मैं मतलब ठीक ठाक था तो मैं बहुत अच्छा कमाता था, ये जो मेरा घर है ये इतना बड़ा घर है ये सब मैंने बनवाया अपनी कमाई से, और मेरी एक चाय की दुकान थी, टपरी थी जिसे बोलते हैं, मैं वहाँ पर कमाता था, कमा के मैंने घर बनाया, तब ये जो मेरी पत्नी है सामने खड़ी है, तो पत्नी जो है वो मुझे मेरे जूते मेरे मोजे सब कुछ मेरा मतलब सब कुछ ध्यान रखती थी, आज मैं पैरालिसिस हूँ, आज मेरा कोई भी किसी प्रकार से मतलब ध्यान देती रखती है, और मेरे मुझे रोटी भी दो ही देती है कि बार बार तुम्हें शौच जाना पड़ेगा शौच करना पड़ेगा, और इसलिए वो रोटी भी कम देती है, और मेरे ही सामने किसी पराए मर्द से जो बात करती है, मतलब बात के मतलब दूसरी चीज़ है। तो ये सब कहकर इंसान का मन का हल्का, लेकिन आप सोच कर देखिए कि ऐसी पत्नी जो आज आपके साथ गलत कर रही है वो बुढ़ापे में आपके साथ में क्या करेगी? क्योंकि हर किसी को जो है ये एक समय है, आज जवानी है कल बुढ़ापा भी आएगा आपके पास में, आज आपके माता पिता बूढ़े हैं तो कल आप भी बूढ़े होंगे, अगर वो उसका व्यवहार पत्नी का व्यवहार अगर आपके साथ आज अच्छे समय पर, क्योंकि आज आप कमा सकते हैं, आज आपका शरीर है सब कुछ आप कर सकते हैं, हर काम तरी हर तरीके से अपने, अगर आपकी कोई देखभाल भी नहीं करेगा तो खुद स्वयं कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इंसान बुजुर्ग हो जाता है या फिर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, जीवन का पता नहीं कब किस समय पर कौन सा मोड़ ऐसा आ जाए कि जीवन में घटना घटित हो जाए और शरीर आदमी का खराब हो जाए या फिर किसी प्रकार से, तो ऐसे समय पर सिर्फ पत्नी ही काम आती है। और ऐसी पत्नी जो आज आपके ऊपर केस कर रही है, आपको इतना बुरी तरीके से कोर्ट में घसीट रही है या फिर गलत आपके साथ में गलत गलत करे जा रही है, तो सोच कर देखिए कि ऐसी पत्नी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये जो महाराज जी कहानी है, इस कहानी से आपको ये भी सीख मिलती है कि ऐसी पत्नी जो आपके साथ में आज बुरा व्यवहार कर रही है तो आगे भविष्य में आपके साथ में किस तरीके व्यवहार करेगी। आज आप अच्छे हैं ठीक हैं स्वस्थ हैं, लेकिन एक समय पर ऐसा आएगा कि आपका शरीर स्वस्थ होते हुए भी शरीर में जान नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आ जाएगा। तो उस समय पर किस समय पर किस तरीके की ये पत्नी आपकी व्यवहार करेगी, आप उसका अंदाजा लगाते हुए अपने जीवन को साथ चलाएं। अगर सही है तभी चलें साथ में, पर नहीं है तो आप डाइवोर्स आपके सामने केस है, आप केस फाइल कर सकते हैं, और करने के साथ साथ में क्रूअल्टी ग्राउंड बनाएंगे आप, तो क्रूअल्टी ग्राउंड जो है जो भी आपके साथ में हुई है क्रूअल्टी उस क्रूअल्टी को प्रूव करें ताकि आपको कोर्ट जो है वो डाइवोर्स ग्रांट कर सके। तो ये चीज़ें हैं अगर आपको पत्नी से अलग होना है, या बाकी ऐसी गलत पत्नी है या किसी और किसी के साथ नाजायज संबंध है उसके, या आपके साथ में सही व्यवहार नहीं है, परिवार के साथ व्यवहार सही नहीं है, या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो भी आपको पता होगी, क्योंकि हर किसी का केस जो वो कुछ ना कुछ अलग होता है, तो ऐसी पत्नी को आप अपने जीवन से अलग करने में ही भलाई समझें। और अगर
आप ऐसे पत्नी के साथ में रहेंगे तो आज तो आपका जीवन सोच कर देखिए कि आप आज आपके शरीर में ताकत है, आप पैसा है, सब कुछ आपके पास में है। एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ आप छूट जाएगा और साथ में सिर्फ पत्नी ही काम आएगी, और पत्नी ऐसी है कि वो सिर्फ और सिर्फ केस लड़ाएगी या फिर जीवन किसी और प्रकार से बर्बाद करेगी। तो फिर ऐसी ऐसी पत्नी से ना होना ही बेहतर है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तुरंत नीचे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको मिल सके। नमस्कार।